ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपनाम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा में 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 200 से 300 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 1000 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे NDRF SDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। फिलहाल हमारा ध्यान बचाव कार्य पर है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू होगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें तैनात हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई है। खड़गपुर की DRM ने पुष्टि की है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, जिसके बाद बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की उसके साथ टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेनों के 12 कोच बेपटरी हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात भी की है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।